सलामकम जी दिस इज काश्मीर साह एचिंग मी ऑन समथिंग हॉट प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए थैंक यू सलामकुम दिस इज हार टू हॉट माई नेम इज हसन चौधरी यूर ट्यून इन टू समिंग हॉट आज मेरे सामने जो शख्सियत बैठी है अगर उनकी तारीफ में खाली मैं सिर्फ इतना कह दूं कि जिस चीज़ पे हाथ डालते हैं वो सोने की हो जाती है तो गलत नहीं होगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े ड्रामे सारे ही हिट सारे ही सक्सेसफुल बेशुमार अवार्ड्स जीत चुके हैं आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मेरी अपनी बहुत ख्वाहिश थी कि हम इनका इंटरव्यू करें पड़ी तगो दो के बाद फाइनली ये इंटरव्यू होने जा रहा है आई हैव विद मी द वन एंड दी ओनली काशिफ़ निसार अस्सलाम वालेकुम काशिफ़ भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आपका आप पहले तो मैंने आप सबको बताना है और आपका शुक्रिया ऑन कैमरा अदा करना है इसलिए ये मेरी काशी भाई से पहली मुलाकात है इससे पहले मैं काशी भाई से कभी नहीं मिला था मैंने काशी भाई को पिछले हफ्ते फोन किया कि मैं लाहौर में हूँ एंड आई वुड लव टू डू योर इंटरव्यू तो काशी भाई ने मुझे बोला जब आना चाहो आ जाओ कोई मसला नहीं आई एम टोटली अवेलेबल फॉर यू फिर मैंने कहा एक छोटा सा प्रॉब्लम है आई एम नॉट एबल टू गैदर माई प्रोडक्शन टीम इन लाहौर तो मैं क्या करूँ तो काशिफ भाई ने अपनी प्रोडक्शन टीम से अपने दो कैमरास मुझे अरेंज करके दिए अपना साउंड का इक्विपमेंट माइक्स दिए अपनी प्रोडक्शन टीम दी अपनी लाइट्स दी ये सेट ये लोकेशन सब उनका अरेंज करके दिया सिर्फ एक फोन कॉल के ऊपर थैंक यू काशि भाई ये सोचने कोई बात कि मैं मेरी आपसे मुलाकात भी नहीं हुई क्या आप बाकी सबके साथ भी इतने ही अच्छे हैं और इतने काइंड हार्टेड हैं ये ये मेरे ऊपर कोई स्पेशल आपने कुछ फेवर किया मेरे लिए अच्छा मुझे तो बाद में पता चला आप यहाँ के हैं या जहलम के हैं तो मेरा ख्याल था कि आप कराची बेस्ड हैं और कराची से हैं तो आप हमारे मेहमान थे तो मुझे मेहमानों का तो फिर ख्याल रखा ही जाता है ना

थी तो उस उन सब के भी बह हाँ पे भी आई वुड वांट टू रियली थैंक यू फॉर दिस मोस्ट मोस्ट वेलकम जी वेलकम मैंने कहा ना शुरू में इंटरव्यू में अपने के जिस चीज़ को आप हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है आप कितना इस पर यकीन रखते हैं नहीं 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 ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है दरअसल हम जो काम करते हैं ना वो एक आदमी का काम ही नहीं तो टीम वर्क है जैसे अगर पीछे चार पाँच मैं तो पंद्रह अठारह साल से काम कर रहा हूँ तो चीज़ें तो शायद छः सात साल से नजरों में आने शुरू हुई तो टीम वर्क होता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता मेरे पास स्क्रिप्ट ना हो ये कैमरे पे बच्चा अच्छा ना हो आर्टिस्ट की ऑनरशिप ना हो तो मैं कहाँ से कहानी सुनाऊँगा तो आई वट आई फील के मतलब ये 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 तो आप पंजाबी हैं क्योंकि आपकी टीम के अगर हम अगर कास्ट एंड क्रू सारा देख लें प्रोजेक्ट्स की जितने आपके ड्रामे या बड़े प्रोजेक्ट्स हिट प्रोजेक्ट्स हैं डायरेक्टर का नाम तो वही रहेगा बाकी टीम तो फिर भी रद्द बदल हो जाता है एक्टर्स भी बदल जाते हैं राइटर भी बदल जाते हैं प्रोडक्शन भी बदल जाती है लेकिन एक आप ही का नाम कांस्टेंट है तो मैं आई एग्री विद यू कि टीम एफर्ट होती है बट आप सारा क्रेडिट तो ना देना। नहीं सारे मैं बांट रहा हूँ सारा नहीं दे रहा <laughs> मैं शेयर कर रहा हूँ कि शायद नहीं आ, अकेले बंदे का काम है हाउ डिड काशिफिक निसार बिकम अ डायरेक्टर प्लीज़ हमें उस जर्नी से ले कर चलें कि ये क्या हमेशा से शौक़ था आपको डायरेक्शन का इस फील्ड की तरफ कैसे आया आप बोले आई आई स्टार्टड एज़ अ राइटर मैंने तारिक मिराज साहब हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है इस्लाम कोयटा सेंटर से डायरेक्ट करते थे फिर इस्लामाबाद में मेरे चचा हैं मेरे उस्ताद हैं तो आज अगर मुझे वो कलम पकड़ना भी उन्होंने सिखाया और कैमरा रखना भी उन्होंने सिखाया और कहानी समझना कहानी पढ़ना और कहानी की इंटरप्रटेशन करना मोमेंट्स uh, क्रिएट करना ये सब कुछ वो तारिक साहब तारिक मरार साहब मैंने उनको चार पाँच साल असिस्ट किया और uh, लिखना भी मैंने उनके लिए स्टार्ट किया डायरेक्शन से पहले मैं दो सीरियल्स कर चुका था टेलीविजन के लिए एक जिना के नाम था और एक कज़न्स एक टेलीफ़िल्म थी जो मैंने तारिक साहब के लिए किया बाज़ार के नाम से तो आई स्टार्टेड एज ए राइटर और फिर मुझे लगा कि शायद कुछ कुछ कहानियाँ ऐसी हैं कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो शायद मैं जब किसी को सुनाता हूँ कहता हूँ तो वो या तो उसे समझ नहीं पाते या मैं उन्हें समझा नहीं पाता तो फिर मुझे लगा कि शायद ये जो ख़्याल है या ये जो कहानी है मैं ख़ुद कह के देखूँ खुद बना के देखूँ खुद इंटरप्रेट करके देखूँ तो ये ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई डायरेक्शन की तरफ मैं वहाँ आया जहाँ मुझे अपनी कहानी पे कन्विंस करना मुश्किल हो रहा था लोगों को कि ये कहानी सुनानी चाहिए या सुनाई जा सकती है या नहीं सुनाई जा सकती मुझे लगता था कि सुनाई जा सकती है इसमें नई बात है इसमें अचंबा है इसमें हैरत है लेकिन शायद उनको लगता था कि नहीं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो सुनाई जा सके तो ये वो पहली जगह थी जहाँ मुझे लगा कि मुझे डायरेक्शन की तरफ आके खुद कह के या खुद बना के दिखाना चाहिए कि भाई ये बात ऐसे की जा सकती तो ये जो आ, बात होती है कि डायरेक्शन सीखनी चाहिए या सीखी मैंने सीखी मुझे नहीं आती मुझे आती है hmm. ये प्रोसेस आपके लिए कैसा था आपको आती थी डायरेक्शन आपको पता चला कि आपको सीखनी है आपने सीखी क्या किया दो मुझे लगता है कि ये ये जो काम है डायरेक्शन का ये दो हिस्सों में बटा हुआ है एक इसकी टेक्निकल साइड और एक इसकी स्टोरी टेलिंग और इंटेलेक्चुअल साइड जो टेक्निकल साइड है वो मुझे नहीं लगता कि छः महीने से ज़्यादा किया मतलब आप किसी को भी सिखा सकते हैं छः महीने में अमामा बना सकते हैं आप असल में व्हाट आई फील कि डायरेक्टर का काम कहानी सुनाना होता है अगर उसको उसकी सेंस है वो डेवलप हो चुकी हैं या वो वो खासा है उसका तो कहानी सुनाने का आप बहुत अच्छा डीओपी हायर कर सकते हैं आप बहुत अच्छा आर्ट डायरेक्टर हायर कर सकते हैं आप बहुत अच्छे एक्टर्स हायर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए लेकिन अगर आपको कहानी सुनाने नहीं आती स्टोरी टेलर नहीं है आप तो ये काम नहीं करेगा तो वट आई फील कि ये, जैसे हमारे इस थे तारिक साहब थे अयूब खावर साहब थे तारिक जमील साहब थे ये ये वो लोग हैं जिनको मैंने असिस्ट किया तो उन्होंने कहानी लिखने से पहले या सुनाने से पहले या दिखाने से पहले कहानी पढ़ने का सलीका सिखाया तो मुझे लगता है कि अब आजकल भी जो मेरे पास बच्चे आते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, टेक्निकली मुझसे भी ज़्यादा मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं होती और मैं उनसे पूछ रहा हूँ लेकिन वो एक हिस्सा है दूसरा हिस्सा वो बहुत ज़रूरी है कि आप को कहानी सुनानी कैसे कहाँ से सुनानी छः आठ सिचुएशन हैं टोटल जब से कहानी सुनाना इंसान ने शुरू शुरू किया है एंगल चेंज होता है कभी कोई एक डायमेंशन से कोई दूसरी डायमेंशन से कोई तीसरी डायमेंशन से तो व्हाट आई फील कि डायरेक्टर का काम इनफैक्ट कहानी सुनाना है या उस प्लॉट या कहानी की इंटरप्रिटेशन करना है जिसे आप उसका स्ट्रोक कहते हैं यार कि इसका ये इस कहानी में इसका स्ट्रोक है तो वो साइड मुझे लगता है वो डेवलप होती है लिटरेचर के थ्रू जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं कहानियाँ तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके सब कॉन्शियस में बैठने शुरू हो जाते हैं करेक्टर और शायद फिर अचानक किसी ऐसे वक्त पे बाहर आते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है किसी ख़ास सिचुएशन में जब आप कोई ड्रामे की कोई सिचुएशन इंटरप्रेट कर रहे होते हैं या करेक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो मुझे ये लगता है कि एक टेक्निकल साइड है और दूसरी स्टोरी टेलिंग की साइड मुझे सहूलत ये थी कि मेरे अयूब खावर साहब भी तारक साहब भी एक कमाल के स्टोरी टेलर मतलब दुनिया जहाँ का लिटरेचर पढ़ा हुआ था तो मैं इस सिलसिले इस हिसाब से बड़ा लकी था कि मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी बेस मुझे कहानी पढ़ने का सलीका बता दिया उन्होंने कि कहानी पढ़ते कैसे हैं पढ़ेंगे तो दिखाएंगे ना तो ये ये शायद मुझे लगता है कि अगर मेरी चीज़ पसंद की जाती है या थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है तो उसमें ये है कि शायद मुझे मेरे इस कहानी पढ़ना सिखा दिया था कि कहानी पढ़नी कैसे एक बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की जो मैं सवाल पहले भी रेज कर चुका हूँ कि छः सात सिचुएशन्स हैं मेरा सवाल ये होता है कि जब दुनिया में छः बिलियन लोग हैं सो सिचुएशन छः सात खाली कैसे हैं और इसलिए भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज़ आपके ड्रामे इन पर्टिकुलर जो कहानियाँ आप बता रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो उन्हीं ट्रेडिशनल छः सात सिचुएशंस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं तो ये आपकी बात में थोड़ा सा तजाद नहीं लग आप रकीब से को भी देख लें <laughs> <उसके एद्गिर्थी है। laughs> आप जब नाम ले रहे हैं, आप मुझे बताएं रकीब से कि मैं हाँ आपसे बात करूंगा कि एट इट्स कोर कहानी ऐसी है कि जो हम मल्टीपल टाइम्स पहले देख चुके बट डर सी जाती है जो हम बहुत आप बार, हाँ, बार देख चुके हैं अपनी स्क्रीन कहानी तो, अगर वो नहीं होती तो प्रमिश प्रमेस वो ही होता है लाइक एंड ऑफ द डे आपको जो जहाँ दो से चार लोग रहते हैं और जो क्रिएट होता है इंसानों के इकट्ठे रहने से और जो उसकी इमोशनल साइड है अब आपने उसको कहाँ से देखना रकीब से मैं कौन सी नहीं बात है मुझे बताइए नहीं है वो तो मैं रकीब से मतलब इनकार ये बात आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा की गई इनकार वाली जो हमने क्या किया इनकार में जफर ने क्या कमाल किया कि हमने हमेशा दिखाया कि बाप जो है वो विलन बन जाता है ऐसे सिचुएशन में हमने बाप को बदल दिया तो कहानी का कंप्लेक्शन चेंज हो गया राजा राजा कर दी में आपने कैरेक्टर को एक हीरो बना के पेश किया वो मेरी इमरान से अक्सर इस yeah. बात पे होती है वो कहते हैं कि हीरो क्या होता है कैरेक्टर ही हीरो होता है बट द द फैक्ट ऑफ मैटर इज हमारे yeah. हाँ, हमारी इंडस्ट्री में yeah. हमारी ऑडियंस या एक्टर्स को प्रेजेंट होते हुए देखा है yeah. वो हीरो के रोल में हीरो के yes. रूप में ही देखा है yes. आपने वो मोल्ड वो उसको तोड़ ही दिया उस सांचे को ही और आप एक yeah. नया हीरो लेके आए सामने मुझे हमेशा यही लगता है कि आप कहानी में दिलचस्पी तभी लेते हैं जब आप किरदार में दिलचस्पी आपकी डेवलप होती है करेक्टर के साथ इसलिए मेरा जितना टाइम स्क्रिप्ट पढ़ने में लगता है स्क्रिप्ट की तैयारी में लगता है उतना करेक्ट्राइजेशन पे लगता है वो उससे एक जंग जारी होती कि भाई क्या क्या किया जा सकता है कौन से कौन सी डायमेंशन से देखा जाए किस एंगल से देखा जाए कि नहीं देखा गया या देखा गया है तो कम देखा गया है इमरान अभी ये भी जो है रांझा 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 करती हो हो चुकी हैं ऐसी कहानियां पहली नहीं थी इस तरह के करेक्टर्स भी हो चुके हुए हैं लेकिन हाँ सिर्फ, करने हा, सिर्फ उसकी कहानी से आपने प्रेजेंट किया जैसे रकीब से की भी बात है जैसे आप प्रेजेंट करते हैं एक कहानी रांझा रांझा में भी जैसे रांझा रंजा का मेरा प्राइड जो रांझा रांझा का वो ये है कि वो हमारा जो करेक्टर है करेक्टर एक्टर भी है वो अपनी लीग क्रॉस कर गया मुझे रांझा रांझा से जो मेरा हासिल वसूल लगता है कि आज इमरान इमरान मेरी प्राइड है ना आज मतलब मुझे अगर इमरान रांझा रांझा से मेन स्ट्रीम में आके खड़ा हो गया एक करेक्टर एक्टर इमरान दस साल से काम कर और हमेशा अपना इम्पैक्ट छोड़ता था मतलब छोड़ता था तो याद है लोगों को ना अब रांझा रांझा से पहले भी इमरान के बारे में राय यही होगी आपकी यार इज़ ए गुड एक्टर लेकिन वो जो हमारे एक स्टीरियो है ना हीरो का गोरा चिट्टा ब्लू शर्ट में डाइजेस्ट का जो हमारे दरअसल टेलीविजन का जो हीरो है वो डाइजेस्ट का हीरो टेक ओवर करके है ना उसको वो एक स्टीरियो बना दिया कि हीरो ऐसे ही हो सके इसी की कहानी सुनाएंगे तो दिलचस्पी होगी जो गोरा चिट्टा है जो अच्छा लगता है जो बाइक चलाता है जो डेरिंग है तो वो स्टीरियोटाइप को आप जब तोड़ते हैं तो यहाँ तो वो आपके मुंह पे आके लगता है फायरबैक कर जाता है मेन स्ट्रीम से जब आप मेन स्ट्रीम में एक चीज़ स्टेबलिश हुई हुई है स्टीरियोटाइप हो चुकी हुई आप जब उसको तोड़ते हैं तो दोनों सूरतियाँ होती हैं यहाँ तो वो आके आपके मुंह पे लगेगा बहुत ज़ोर से यहाँ फिर लोगों को कबूल करना पड़ेगा उसको एक नए उसमें राजा राजा में भी यही था हमारा हीरो बहुत उसने तोड़ा ना फ़ायज़ा नहीं तोड़ा ना स्टीरियोटाइप कि मैं एक ऐसे करेक्टर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बुरा दिखता है, जो गंदा है जिसके नाखून भी गंदे होते हैं और जिसका एक रुमाल भी लगा होता है यहाँ पे जो मुंह साफ़ करने के लिए होता राले है रालें उसके मुंह से टपक स्टीरियो तोड़ा ना उसने एक ऐसे बंदे की कहानी सुनी तो इसका मतलब है कि अगर आप अटम्प्ट करें कोशिश करें तो ये हो सकता है यही हुआ मगर तो यही यही हासिल वसुना यकीन कीजिए रांझा रांझा का कि आज अगर एक एक ऐसा एक्टर जो करेक्टर एक्टर्स से मेजर सपोर्ट किया करता था वो आज बेस्ट एक्टर पॉपुलर लक्स अवार्ड जीत जाता है तो वो उसी सूरत में है कि आपने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की कोशिश की मेरी कोशिश यही होती है कि कहानी सुना रहे हैं तो नए नए तरीके से सुना दें अच्छी बुरी तो बात की बात है या पसंद की जाती है नहीं की जाती लेकिन कोशिश अटैम्प्ट तो होना कि कोई कुछ नया किया जाए आपका बड़ा एक अनऑर्थोडॉक्स प्रोसेस है ड्रामे बनाने का मैं ये ऑफ कैमरा भी आपसे बात हुई इसमें भाई आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कराची में एक सीन शूट किए बगैर आपने बना दिए ड्रामे ये बात सच आपने कराची में आज तक अपने ड्रामे का कोई एक सीन भी शूट नहीं किया लाहौर के, तो के बारी स्टूडियो में रह के ये सारे ड्रामे बना रहे हैं टर्न आउट कर रहे हैं बड़े बड़े हिट्स लेफ्ट राइट सेंटर इसकी क्या वजह है कराची क्यों नहीं आ जाते आप काम दरअसल पता यहाँ ये इस इस मामले में ना ये बड़ी जरखेज़ ज़मीन पंजाब और ये लाहौर कल्चरल हब था आपका हमेशा से हमने बड़े बड़े अच्छे फ़नकार भी पैदा किए राइटर्स डायरेक्टर टेक्नीशियंस बहुत अच्छे पैदा किए अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट होना हुई शिफ्ट होना शुरू हुई कराची तो हमारे बड़े आला आला पाए के लोग हुए। बड़े अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बड़े अच्छे टेक्नीशियस तो मैं और तो कुछ नहीं कर सकता था मतलब यही कर सकता था कि किसी को रोक नहीं सकता था तो खुद पाँव जमा के खड़े होने की कोशिश करता कि भाई यहाँ रह के और कुछ नहीं तो पचास लोगों को तो इंगेज कर ही लेता हूँ एक प्रोजेक्ट में तो कराची ना जाने की वजह सिर्फ यही थी कि अगर मेरे पास सहूलत थी जाने की मतलब मैं चला जाता लेकिन फिर मेरे साथ मेरा मेकअप आर्टिस्ट ना जा सकता ना मेरा मैन ना जा सकता मेरा मेरा स्पॉट बॉय ना जा सकता जो आर्टर छः छः सात सा मेरे साथ काम कर रहे हैं तो कराची ना जाने की वजह तो ये थी कि थोड़ा सा थोड़ा सा तो मेला लगा है ना यहाँ पर हल्का तो फुल्का बड़ी ज़बरदस्त सोच है आपकी और आई एम श्योर कि सभी अप्रीशिएट करेंगे इस बात को वही मैंने कहा ना कि आप वाकई में जनवनली काइंड हार्टेड है में, 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 मेरे लिए नहीं आपने किया जेनली जनविनली uh, बहुत अच्छी शख्सियत जैसे आपको नज़र आ रहा है और आपको पता चल रहा है बट मुझे ये बताएं जो आप ड्रामे बनाते हैं वो भी जो आपका प्रोसेस है हुँ. आप ख़ुद लिखवाते हैं ड्रामे हाँ कभी कभी लिखवाता भी हूँ समाइम्स uh, बहुत अच्छे बहुत अच्छा स्क्रिप्ट आ भी जाता है जैसे कि अब रकीब से जो था सिर्फ उन्होंने आइडिया मुझसे डिस्कस किया था बीगुल ने और इनके इन्होंने लिखे हुए थे छः सात स्क्रिप्ट लिखे हुए थे उन्होंने तो तीन या चार मुझसे शेयर किए तो वो एक पढ़ा तो दूसरे पे जाने को दिल चाहा दूसरे से चार ख़त्म हो गए मैंने कहा और भिजवाई कि उन्होंने कहा मैं तो अब लिख नहीं हूँ तो अगर आपको सहूलत हो तो बीगुल जैसी राइटर की और ज़फ़र मराज जैसे राइटर की जफ़र के साथ जब मैं लिखता हूँ तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होते हैं बीगुल के साथ तीन से चार एपिसोड के बाद एक सेशन होता है कि भाई ये हो सकता है ये हो सकता है राइटर अगर, अगर अपना फुल दे रहा है या नई बात कर रहा है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है आपको पंगा लेने की बिला वजह की दानिश झाड़ने की समटाइम्स करना भी पड़ता है बहुत सारे स्क्रिप्ट्स लिखने भी पड़ते हैं रीडू भी करने पड़ते हैं सेट पे भी ठीक करने पड़ते हैं अच्छे अच्छे राइटर्स के भी करने पड़ते हैं बड़े मोतबर नामों के भी आ, दोनों सूरतें होती हैं मतलब इन्वालमेंट बहुत ज़रूरी है मुझे उसके बगैर हो नहीं सकता क्योंकि हमें जीना उठना जागना सोना करेक्टर्स के साथ होता है जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो कम वक्त आप तो रह ही उनके साथ रहे होते हैं आपको सोते में भी तंग करते हैं चलते फिरते में भी तंग करते हैं तो दोनों सूरतें होती हैं समटाइम्स आपको नहीं छेड़ने की ज़रूरत पड़ती समाइम्स आपको लगता है कि ये बात बेहतर की जा सकती है तो आप डिस्कस कर लेते हैं समटाइम्स आपको सेट भी कुछ आमद हो जाती है आ, आप वहाँ चेंज कर लेते हैं तो ये मिला जुला सही होता है कोई सेट फार्मूला नहीं है नहीं बट टेक मी थ्रू द प्रोसेस इनिशियली इंसेप्शन में एक आइडिया जब आया क्या वो राइटर की तरफ से आपको पिच किया जाता है चैनल की तरफ से आता है या आपकी अपनी सोच होती है कि मैं क्योंकि मैं वही बात करूँ जो आपने जिस तरह के ड्रामे बनाए हैं अब आप हाथ डालते सोना बन जाती चीज़ तो कोई ना कोई तो फॉर्मूला होगा कोई ना कोई जादू की छड़ी कोई आपके पास कोई दम दरूद दरूद को, <laughs> को, <laughs> कोई, नहीं। कोई कोई टोटका कुछ तो होगा <laughs> नहीं नहीं समटाइम्स समटाइम्स कोई करेक्टर आपको तंग कर रहा होता है समटाइम्स आपको कोई प्लॉट तंग कर रहा होता है कि इस पर बात होनी चाहिए समटाइम कोई सिचुएशन आपको तंग कर रही होती है अब अब जो हमें नया मेरा जो प्रोजेक्ट है अब जफर के साथ करने जा रहा हूँ बहुत ही हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि यार क्यों ना ऐसी कहानी सुनाई जाए जिसमें दो लोगों का कम्युनिकेशन बैरियर हो बात ज़ुबान ना समझते हैं एक दूसरे की ये बेसिक था क्या ऐसा एक रिश्ता ऐसा एक ऐसे एक रिलेशनशिप की कहानी सुनाते हैं जिसमें दो लोग ज़ुबान शेयर नहीं करते लेकिन उनका रिलेशनशिप है ये ड्रामा बनने वाला है। जी ठीक है ये कुछ थोड़ा बहुत अब और अब नहीं, 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 नहीं बताएंगे अब इतना इतना काफ़ी है ना सो so, तो जो मैं अटैम्प्ट करने जा रहा हूँ अभी वेरी डिफ़िकल्ट प्लॉट वेरी डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट जिसमें एक कल्चरल बैरियर है दो लोग हैं साथ रह रहे हैं साथ रहन, रहना पड़ रहा है उनको लेकिन एक दूसरे की जुबान नहीं दूसरी लैंग्वेज आप बता देंगे उर्दू और दूसरी कौन सी जुबान है यह वो भी नहीं बताएंगे आप uh, दैट इज़ दरी दरी is, दरी इज़ लैंग्वेज जो अफगानिस्तान में जो पर्शियन बोली जाती अच्छा, है अच्छा, अच्छा अच्छा एक तो ईरान में बोली जाती है और एक अफ़ग़ानिस्तान में बोली जाती है दरी ये एक्ट्रेस में एक्टर सो, में सोचो एक्टर या एक्ट्रेस जो भी होंगे ये, हाँ, कौन होंगे और कौन बहुत सारे सवाल जन्म हाँ, दे रहे हैं मैं आपको ज्यादा नहीं तंग करूँगा हाँ, हाँ, इस मौजू के ऊपर बट जो बाकी ड्रामे जो हम अब बात करें दरसी जाती सिला इनकार रांझा रांझा करती ना रकीब से Hmm. एक लाइन के साथ जो आपके पिछले चंद ड्रामे हैं सारे सक्सेसफुल हैं रेटिंग्स भी हैं अवार्ड्स नॉमिनेशन भी हैं विक्ट्रीज भी हैं अवार्ड hmm. की तो हाउ डू यू लुक बैक एट दिस जर्नी आई यू कंटेंट के जैसा कॉन्टेंट आप बना रहे हैं वो चल रहा है लोग अप्रीशिएट कर रहे हैं चैनल्स भी खुश हैं या दे स्टिल दैट क्रेविंग के यार नहीं जो आप करना चाह रहे हैं वो अभी भी नहीं आप कर पा रहे इसके दो पहलू एक ये मैं अपने किसी जानने वाले से परसों एक दो दिन पहले कह रहा था मैंने कहा मैं चंगा काम नहीं कर का रहा लोग बहुत बुरा काम कर का रहे हैं <laughs> <laughs> सही है तो इस इंडस्ट्री लोग भी बुरा काम कर रहे <laughs> हैं तो तुम्हें भी चंगा काम कर रहे हो तो इस हद तक तो ये है कि इस इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं और वो अगर इस तरह कीजमेंट मिलती है तो ऑब्वियसली आपको है तमानियत का बायस तो है ये लेकिन इसके साथ ही जब मैं काम होता हुआ देखता हूँ ओ पे और अपने हमसाय मुल्क में इंडिया में या इंटरनेशनली जो तो फिर फिर बड़ी तकलीफ़ होती है फिर अपना बुरा लगने लग जाता है कि भैया आप 2021 में किस तरह की प्रोडक्ट बना रहे हैं या किस तरह की कहानी सुना रहे हैं सो so, ये दो इसके वो हैं तो मेरी यहाँ तक तो ठीक है कि आपने कर लिया आपका काम चल चल भी जाता है एक्नॉलेज भी हो जाता है अच्छा बुरा जैसा भी है लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनली हम कहीं जाएंगे तो हम बहुत पीछे खड़े हैं अभी तो आपकी नज़र में वेयर आर वी लैगिंग और लैकिंग किन चीज़ों में हम पीछे? हर फील्ड में हर हर फील्ड में मतलब इसमें जित स्टोरी इस टेलिंग के जितने भी टूल्स इस्तेमाल हो सकते हैं उन सब में कमज़ोर हैं हम हमारा ड्रामा तो बड़ा पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जाता है माना जाता है उसे देखा जाता है हाँ मतलब पूरी दुनिया में तो खैर नहीं माना जाता ये भी आ, मिथ है मिथ है ऑनेस्टली मतलब एज ए स्टूडेंट ऑफ ड्रामा मुझे लगता है कि जिस जमाने में हमारा ड्रामा जिसे आप गोल्डन एरा कहते हैं इसमें भिंडो ही एक थी यार एक पी था हमारे यहाँ पार्क्स का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट टेलीविजन हमारी औरत घर से बाहर नहीं निकलती हमारा हमारी फैमिली घर से बाहर जाके निकलने का एंजॉय करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो एंटरटेनमेंट तो वही थी ही टेलीविज़न वो एक विंडो थी वाद जहाँ से रोशनी आ रही थी और आठ बजे सात बजे आठ बजे लोग मतलब खबरनामा तक तो लोग देखते थे रिलीजसली तो वो मैंने एक दफ़ा पूछा भी था मैं ड्रामा कर रहा था पीटीवी में ड्रामा जब पिच करते हैं तो जीएम कॉन्फ्रेंस होती है तो मैं एज़ ए राइटर वहाँ गया हुआ था तो मैंने ड्रामा पिच करना था अपना तो वहाँ मैंने जो हमारे सीनियर्स थे उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ यार आपने इतनी अगर लेगेसी थी पाकिस्तानी ड्रामे की और आ, इस यहाँ खड़ा था तो जैसे ही सेटलाइट आया और जी टी शुरू हुआ लेट आ, अर्ली नाइन्टीज़ में या मिड नाइन्टीज़ में तो उसने तो आपके ड्रामे को उठा के फेंक दी यानी कि आप अपने लोगों की या आपके ड्रामे की तरबियत उस नोइ़ीत की नहीं थी ना फिर जब प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में आया तो उनका इन्फ्लेंस कभी भी पीटीवी तो नहीं था या पीटीवी का ड्रामा तो नहीं था आप देख लेना एयरबाई था शुरू में जियो था इन्फ्लुएंस क्या था स्टार प्लस था तो अगर ये इतनी ही रिच रिवायत थी अगर ये सिर्फ मिथ नहीं थी तो अपने अपनों तो के ऊपर तो इन्फ्लुएंस करते अपने भी तो इन्फ्लुएंस करते ना तो आपके जब सेटलाइट आया तो सेटेलाइट ने तो इंस्पिरेशन ली आपकी उनसे जिनका आप हवाला देते हैं कि जी वो हमसे ड्रामा सीख रहे थे और असल हम ना गलत फहमी का भी शिकार अपने बारे में अपनी तारीख के बारे में जैसे बहुत सारे मामल में विजुअली कहानी सुनाने नहीं आती हमें कभी भी नहीं आई हमारे यहाँ हमारा राइटर सदाकार था ड्रामे रेडियो का राइटर था रेडियो का राइटर जब टेलीविजन के लिए लिखना शुरू किया तो उसने रेडियो का ड्रामा लिखा आज तक हमारे यहाँ रेडियो का ड्रामा है मैं एज़ ए डायरेक्टर जब अपने सीन की डिविजनिंग करता हूँ तो मुझे मेरा राइटर इतना मौका ही नहीं देता कि यार मैं विजुअली कहानी सुना दूँ अगर एक आदमी बाहर से गुस्से में आया है और मैं इस्टेब्लिश कर चुका हूँ कि वो बाहर से ग़ुस्से में आया है लेकिन वो घर आके फिर वो ग़ुस्सा झाड़ेगा जिसके लिए ख़ास टाइम चाहिए उसके बाद फिर मैं उसका रिएक्शन दिखाऊंगा जिसके लिए ख़ास टाइम चाहिए विजुअल विजुअल स्टोरी टेलिंग में आप विजुअली आधी बात विजुअली कर देते हैं आधी बात डायलॉग के थ्रू कर देते हैं लेकिन हमारे यहाँ जो राइटर है उसको लगता है कि अगर मैंने विजुअली कहाँ क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली राइटर को दाँत किस बात में मिलती है आप इतने ड्रामे करते हैं देखते हैं रिव्यूज़ करते हैं यार वो राइटर डायलॉग बहुत अच्छा लगता है कभी नहीं कहा किसी ने कि यार यारम्बख्ता स्क्रीन प्ले बड़ा अच्छा इसकी करेक्टराइजेशन बड़ी अच्छी है इसने कहानी इतनी सुना के छोड़ दी तड़पता छोड़ के कहीं और चला गया फिर वापस आया तो नहीं तारीफ़ करेंगे कोई तारीफ नहीं करता तारीफ़ करते हैं कि यार तो डायलॉग बड़ा अच्छा होता डायलॉग नहीं हो सकता ना डायलॉग ड्रामा इज डेली लाइफ ड्रामा <coughs> रोज़मर्रा है ड्रामा ये है जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं इस सिचुएशन में आप जिंदगी में कभी आपने किसी को फलसफा झाड़ते हुए देखा है आपने झाड़ा है कभी मैंने शायद झाड़ा हो लेकिन नहीं, ज्यादा नहीं होता नहीं होता ऐसे नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। आप डेली जो रोज तो तो क्यों आ जाता है टीवी पर रेडियो नहीं तो इधर ये सवाल पैदा होता है फिर काशी भाई के कौन सिखाएगा अगर ये प्रॉब्लम्स हैं डायरेक्टर्स को टेक्नीशियंस को राइटर्स को कौन बताएगा आपने तो एक बड़ा अच्छा कदम उठाया कि आपने जो अपने टेक्नीशियंस थे आप उनको साथ लेके चल रहे हैं आपने ये फैसला भी किया कि आप शिफ्ट भी नहीं होंगे बट इन द लार्जस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स कौन बताएगा कैमरा मैन को कौन सिखाएगा राइटर्स को जैसे आप कह रहे हैं नए दौर के जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे कौन उनकी uh, उनको इंट्रोड्यूस कराएगा स्टेट जब तक स्टेट हाथ नहीं पकड़ेगी नहीं होगा आप यकीन कीजिए एक आदि तो हर जगह पैदा हो जाते हैं हमने भी बहुत बड़े बड़े राइटर यहाँ पैदा किया होगा एक आदि डायरेक्टर पैदा कर दिया होगा तो एक आदि हमारे एक्टर्स जा रहे हैं इंटरनेशनली भी काम करने जा रहे हैं वो कुछ हैं जो गिफ्टेड हैं अल्लाह वालों ही सजल ने तो एक्टिंग सीखी नहीं हुई ना लेकिन अल्लाह वालों होते हैं कुछ लोग लेकिन अगर आपको एज इंडस्ट्री रन करना है और आपके करना है कि यार पंद्रह ड्रामे हैं तो पंद्रह में से चौदह टेक्निकली बहुत अच्छे होने चाहिए उसके लिए इधारे बनने पड़े, बनाने पड़ेंगे तो अदरवाइज तो नहीं होता नज़र आ रहा मुझे आपको आ रहा नहीं तो इसीलिए कहीं से ड्रामा जाता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा आपको यू थिंक सो आपको नहीं लग रहा कि प्रोग्रेस कर रहे हैं बेहतर स्टोरीज बताई जा रही हैं टेक्निकली बेहतर हो रहे हैं स्पेशली ये जो क्वार्टर शुरू हुआ है आपके दो ड्रामे दिल ना उम्मीद तो नहीं रकीब से रेटिंग शायद उतनी ना आ रही हो बट जो देख रहे हैं वो तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं वो तो कह रहा है कि यार इस तरह की स्टोरी टेलिंग हमने पहले देखी नहीं मैं आपसे भी कह रहा ना कि हम अभी भी लैक करते बहुत हमारी बड़ी लिमिटेशन मेरी हैज आई नो मुझे अपना सीन देख के पता चल जाता है ना कि किया हुआ सीन देख के ख़ुद तो गुस्सा आ रहा होता है कि अच्छा ये 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 लेकिन ये लिमिटेशन थी ये लिमिटेशन थी ये लिमिटेशन तो फ्रेंडली नहीं है कोई एटमोसफियर फ्रेंडली नहीं है मतलब माहौल जो है वो सपोर्ट नहीं करता हम लोकेशन पे जाते हैं अगली दफा लोकेशन नहीं मिलती <coughs> किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है अगर मुझे लाहौर शूट करना है सपोज मुझे लाहौर दिखाना है अपना अपना शहर दिखाना है मुझे कोई सहूलत ही नहीं है कोई ऐसी बॉडी नहीं है जी कि जी हमने अब अब आपका ड्रामा इतना देखा जा रहा है अगर आपका इंडिया में भी देखा जा रहा है बंगा बंग्लादेश में भी देखा जा रहा है हमारा यहाँ भी बहुत देखता है तो आप इतना ही सहूलत तो दे देना यार कि हम अगर अपना ही शहर आपको बेहतर तरीके से दिखा दें उसको ही एक्सपोज कर दें उससे ही मुतारफ़ करा दें यार लोगों को लाहौर से मुतारफ़ करा दूं कराची से करा दें इस्लामाबाद से करा दें तो इतनी सहूलत तो दे दें दे यार गवर्नमेंट तो क्या एक वन विंडो कर दें भाई आप आएँ आप आपको हम परमिशन देते हैं आप शूट कीजिए आप दिखाइए एक्सपोज कीजिए लेकिन वो है नहीं ना स्टेट स्टेट पॉलिसी ही नहीं नज़र आती कहीं आप मतलब टर्की का एक ड्रामा जब चला यहाँ पे उर्दू वन पे जो पहले दो थे इनके वो ममनू और फातमा और उसने आपको टर्की से मिलवा दिया है ना यार आपका क्या ख्याल है कितने लोग टर्की जाते थे जितने आप जाते हैं नहीं नहीं जाते थे। आपके यहाँ टर्किश ज्वेलरी आ गई आपके यहाँ टर्किश फर्नीचर आना शुरू हो गया टर्किश एक्टर्स भी टर्किश एक्टर भी आ एक प्रोडक्ट यार उसने इतना हिट किया अगर यहाँ से जो पाकिस्तानी इस्तांबुल जा रहा है तो वहाँ जाके डॉलर खर्च कर रहे हैं ना यार उनके उन पैसा दे रहे हैं ना उनको तो ड्रामे क्या उससे पहले कौन टर्की जाता था आप मुझे बताइए एलिड के चंद एक लोग थे जो जाते थे ये मिडिल क्लास ने कब जाना शुरू किया मिडिल क्लास ने जब ड्रामा देखा तो आप इसकी पावर तो देखिए यार इस इस ड्रामा ये आपके घर में घुसता है भाई ये आपके ड्राइंग रूम में आपके लाउंज में घुसता है तो वाकई में मिथ है क्योंकि मैंने बाहर से आते हुए लोगों को नहीं देखा पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का ड्रामा देख के आ रहे हो ऐसा, ऐसा कभी भी नहीं रहा बट कमिंग टू द टू ड्रामाज एयर दिल ना उम्मीद तो नहीं और रकीब से और जैसे मैंने कहा कि रेटिंग शायद ना रेटिंग मैटर करती हैं आपको बाय द वे व्यूअरशिप शेप यूट्यूब के ऊपर ट्रेंड करना अच्छा मैं बहुत ही गार में रहने वाला आदमी हूँ मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ तो मेरे लिए तो मैटर नहीं करती <laughs> मेरे चैनल प्रोड्यूसर के लिए मैटर करती होगी मेरे लिए तो मतलब मुझे वो जो कहानी सुनानी होती है और जितनी मुझे सुनानी आती है मैं सुना देता हूँ कि हद तक रिसीव होती है इतना होता है कि जो भी काम मैं या मेरी टीम करती है वो बड़ी मतलब ईमानदारी से करती इन दो ड्रामों पर कैसा फीडबैक आ रहा है आपको इन दो ड्रामों का दोनों का फीडबैक बहुत अच्छा है रकीब से का भी और दिल ना उम्मीद का भी दोनों का फीडबैक बहुत अच्छा है रकीब से का फीडबैक इंडस्ट्री से बहुत अच्छा है लाइक like, uh, मुझे इतना रिस्पांस इंडस्ट्री के जैसे डायरेक्टर्स हैं राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है रकीब से और दिल ना उम्मीद में मैंने टेकिंग चेंज की थी स्टोरी टेलिंग की और कैमरे की और लाइट की टेक्निक्स चेंज की थी तो वो जो हमारे टेक्निकल लोग हैं उनकी तरफ से उसकी उसका अच्छा फीडबैक है ओवरऑल दोनों प्रोजेक्ट्स का फीडबैक अच्छा है मैं जब दोनों ड्रामे देख रहा होता हूँ और ये बात जब मैं ऑफ कैमरा भी आपसे कह रहा था और अभी भी हम बात hmm. कर रहे थे रकीब से की कहानी इन इट सेल्फ जो देखें इज नथिंग न्यू बट एवरी टाइम यू वॉचिंग द ड्रामा ऐसा लगता है कि यार कि आपने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा हुआ ना उम्मीद तो नहीं डार्क सब्जेक्ट बट वेरी 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 इंगेजिंग इन पार्ट ड्यू टू द एक्सलेंट परफॉर्मेंसेज ऑफ ऑल द एक्टर्स दिल उम्मीद में तो मैं स्पेशली वो जो चाइल्ड एक्टर्स हैं जिनको आप लेके आए हैं एक हर एक एक्टर कैरेक्टर एवरी सिंगल पर्सन तो ये जो आप एक दुनिया क्रिएट करते हैं जिसमें आप इतने ज्यादा टैलेंटेड लोगों को इंगेज कर पाते हैं कास्टिंग उनकी करना टू मेक श्योर कि जो भी कैरेक्टर लिखा है वो एक्टर उसको जस्टिस करे और बाय गॉड वो करता है इंसाफ उसके साथ इस प्रोसेस के बारे में हमें बताएं ये आप कैसे मैनेज करते हैं अच्छा ये स्टेज पे आके तो आसान हो गया ये शायद ये सवाल पाँच छः सात साल पहले ज़रा मुश्किल था लेकिन अब तो यहाँ मतलब आज तो शायद मैं किसी से कहता हूँ तो वो हंसी खुशी काम कर लेते हैं मेरा ख़्याल है शायद थोड़ा सा ट्रस्ट ओवर द इयर्स के यार मतलब ये अगर ये जो कहानी सुना रहा है तो थोड़ा सा उस पर बिलीव भी करता है और लोगों को इस पर यकीन दिला भी देगा शायद ये ट्रस्ट ओवर द इयर्स डेवलप हुआ दूसरा अच्छा लोग बहुत किस्से कहानियाँ सुनाते हैं लेकिन मतलब मेरा सबके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे हार्डली किसी एक्टर ने या एक्ट्रेस ने ऐसा तंग किया कि जिसे आप चने चबा आपने ना को चनेबा के साथ बहुत काम नुमा एजाज साहब के साथ आप हाँ. बहुत काम करते हैं कुछ एक्टर्स को आप काफ़ी रिपीट करते हैं यमुना तो मेरी बच्ची यमुना को तो मैं कहते पुत्र यमुना का शायद पहला सीरियल भी मेरे साथ था उल्लू बरा फरोख नहीं से पहले उसका एक सीरियल था लेकिन मैं ऑन एयर वो पहला गया था यमुना मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री की मतलब मुझे यमुना से सेकंड थर्ड लेयर में काम करने वाली एक्ट्रेस मुझे नज़र नहीं मतलब वो कैमरा ऑन होता है तो यमुना एक एक एक, एक, एक अंदर से एक और चीज़ निकल आती ये जो लास्ट मैंने यमुना के साथ किया अब तक यमुना ने कभी भी ऐसा करेक्टर नहीं किया हुआ था लेकिन दिल ना उम्मीद में दिल ना उम्मीद में नहीं थी यमुना की बॉडी लैंग्वेज आम आप वैसे भी उम्र से मिले होंगे वो बहुत ही इंट्रवर्ड बहुत ही पोलाइट खामोश लेकिन दिल ना उम्मीद में वो उसकी बॉडी लैंग्वेज थे कैसे मैंने उसे कहा ये था कि मैंने कहा यार बस ये भूल जाओ कि तुम तुम केयर करती हो उठने बैठने में यार जिसम तुम्हारे लिए मान ही ना दारत जहाँ रह रही है वहाँ जहाँ की कहानी है वहाँ के वहाँ बसने वाली औरत के लिए जिसम के क्या मानी रह जाते हैं तो मैंने कहा इसको माइनस कर दूँगी इसकी केयर करना छोड़ दो तो कि उसने वो ऐसा कैरी किया उसका आप उठना फिरना चलना बैठना उसके पोस्टर्स वो आपको लगेगा कि वो शायद जो आखिरी चीज़ है जिसके बारे में वो फिक्रमंद है वो उसकी बॉडी तो ये जो यमुना के हाँ जो डेप्थ है वो अमेजिंग है वो इसलिए यमुना के साथ मैंने बहुत काम किया यमुना के साथ नोमी के साथ बहुत काम किया नोमी के साथ वर्षा हो गया नोमी मेरा पार्टनर भी है हम इकट्ठे काम भी करते हैं लेकिन अब यकीन कीजिए किसी भी ड्रामे में इस वजह से <laughs> नहीं होता कि वो, कि वो ये वो, वो वाहिद एक्टर है जिनके ऊपर होगी नुमान एजाज के साथ कोई भी काम करना चाहेगा इज नो डाउट मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर्स क्योंकि आप देखें ना नोमी मैंने नुमान से जितने भी काम किए वो करेक्टर्स बहुत औरंगेज़म में बिल्कुल और करेक्टर था दर्जाती में बिल्कुल अलग करेक्टर था मतलब सिला वाला और करेक्टर वाला जो जोई मामे वाला करेक्टर था नुमान से कराना बड़ा रिस्क था नुमान के ख़ास का इमेज ऑडियंस में बिल्कुल है देखने वालों में तो नोमी से वो करेक्टर कराना रिस्की था बड़ा लेकिन उसने किया बहुत अच्छा किया और सारे अवार्ड्स भी नॉमिने जीते उसके ऊपर और अब रकीब से एक बिल्कुल ही और अभी तो जो हाईली कॉन्फिडेंशियल सिर्फ कितना हाँ. मैं कहना चाहूंगा हाईली कॉन्फिडेंशियल जो क्लिप मैं देखी है यहाँ पे अपनी दो आंखों से मनजोगी की वो जो कैरेक्टर और वो जब आप लोग देखेंगे तो तब आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ बट अगेन दैट प्रोजेक्ट दैट्स कमिंग आउट बात इतनी सारी बातें हैं करने को इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं बट आई हैव टू टॉक अबाउट दिल ना उम्मीद तो नहीं एंड रकीब से लीनियर स्टोरी टेलिंग नहीं है काशी भाई यूजली हम ड्रामे देख रहे हैं टक 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 ऐसे चलते रहते हैं एक सीध में जाते रहते हैं ये दोनों ड्रामे बैक बैकवक चल रहे हैं साइमल्टेनियसली ऑन एयर है बट दोनों यहाँ जाते हैं यहाँ जाते हैं घूम फिर के फिर वापस आते हैं आपको उतना ही इंगेज रखते हैं आपको उतना ही इंटरेस्टेड uh, रखते हैं hmm. तो ये कॉन्शियस एफर्ट थी आपकी तरफ से कि दोनों ड्रामों को आपने इस तरह से डिजाइन किया या ये हो गया कोई इंसिडेंटली इतफाक नहीं <coughs> दिल उम्मीद दिल उम्मीद नहीं तो इनिशियली नहीं था नॉन लीनियर 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 था लीनियर था लीनियर और मुझे लग रहा था कि लीनियर में अगर आप बच्चों से कहानी शुरू कराते हैं तो आपकी पेडागनस कहीं जाके छठे सातवें एपिसोड में आती है तो मुझे लग रहा था कि हमें टेक्निकली इसको डील करना चाहिए कि डायग्निस्ट भी हो और जो हमने कहना है वो भी कहा जाए उसमें हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना दिल उम्मीद में नहीं तो फिर इसको दोबारा हमने लिखना स्टार्ट किया आमना ने बहुत इसमें मेहनत की इनिशली नहीं था जो ये पैरल टाइम चल रही हैं ये सेकेंड थर्ड ड्राफ्ट है इसका जिसमें हमें मुझे लग रहा था कि जब हम इतना चला के लाएंगे और अचानक फिर एक दिन एक सीन के बाद या एक टाइम लाइफ के बाद एक बच्ची जो है वो उसमें दूसरे करेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो शायद मेक बिलीफ उसको तो करना हो सकता इसलिए दोनों को साथ चलाया गया और ये जब दोनों मर्ज हो जाएंगी तो आज लोगों को ये लगना पता लगना लग गया है कि भाई ये अल्लाह रखी सुबल है ठीक है ना नसीम जहरा कौन है ये नहीं पता चला शायद आप रखना चाहेंगे वो, हाँ, वो, वो, हाँ वो अभी आना है वो अभी आना है जमशेद वहाज है या नहीं पता नहीं हमें आ, ये, ये, शायद है ये। तो वो जब आएगा ना तो फिर वो एक, एक कंप्लीट कैरेक्टर अपने पूरी बैक स्टोरी के साथ अपने बचपन के साथ और अपनी बैक स्टोरी के साथ आके तब आप यमुना के लिए और तरह से फील करेंगे उसके ये जो थाट थी कि इसको इस तरह से रखना है ये किसकी तरफ से आई ये म्यूचुअली थी म्यूचुअली थी हम जब डिस्कशंस कर रहे थे बहुत सारे कश्यप फाउंडेशन का है उनकी बहुत ज़्यादा ऑनरशिप होती है बहुत ज़्यादा इन्वालमेंट होती है इन अ पॉजिटिव सेंस बहुत बहुत ज़्यादा संजीदगी से अपना काम करते हैं तो बहुत सारे डिस्कशंस राइटर के साथ और रोशाने के साथ तो म्यूचुअली था मेरा ख्याल था इनिशिएट मैंने किया था कि हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मैंने अगर अपनी प्राइग्नस जाके सातवें में छठे में इंट्रोड्यूस करवाई लोगों से तो लोगों की उससे वो एफिलिएशन नहीं बन सकेगी नॉट टू अंडर टीवी टी वी वन बट हमारे यहाँ आपको पता है कि hmm. तीन बड़े चैनल्स हैं जियो ए आर वाई एंड हम hmm. क्या वजह है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं इन बड़े चैनल्स पर हमें देखने को नहीं मिला आई डोंट नो इसमें शायद ये वजह हो सकती होगी कि उनको नहीं लगता होगा कि उनकी ऑडियंस इस तरह की है या उसकी जो कमर्शियल साइड उस तरह की नहीं लग रही होगी उनको आई डोंट नो कितनों के साथ इन्होंने रबता किया कितनों के साथ नहीं किया आई एम वेरी थैंकफुल टू टी वी मन कि उनको इसकी हफादियत का अंदाज़ा हुआ है कि भाई इस तरह के मौजूद पर काम होना चाहिए और उसको इस तरह से प्रमोट करना चाहिए शायद अपनी अपनी चैनल पॉलिसीज़ कह लें या अपनी ऑडियंस का मिजाज हमसे ज़्यादा समझते होंगे बट एज स्टोरी टेलर ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट या गुस्सा नहीं दिलाती कि आप जो कहानी बताना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर एक तलवार इस तरह से लटक रही है कि एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचाने में hmm. शायद आप उस तरह से कामयाब नहीं हो सकें या वो जो प्लेटफॉर्म अप्रोप्रियट प्लेटफॉर्म एक अगर प्रोजेक्ट को चाहिए अगेन मैं इसलिए नहीं मैं टी वी वन को अंडरमाइन नहीं कर रहा बट ऑबियसली एक बड़े चैनल की रीच ज़्यादा होती है उसकी ऑडियंस ज़्यादा होती है इंटरनेशनली पर अच्छा लोग देखते अच्छा मैं इसके इसका जो मुझे जो इस, इसको लेके जो मैं मतमईन हूँ ये जिस तरह की कम्युनिकेशन हम कर रहे थे ना इसमें इशू बेस्ड कम्युनिकेशन दिलना उम्मीद में नहीं था उसके लिए जो बेहतरीन जो चैनल था दैट वॉज पी टी वी क्योंकि उसकी जो ऑडियंस है उससे हमें ये बात करनी थी ये उसके लिए थी तो मुझे आप यकीन कीजिए कि नहीं फ़र्क पड़ता कि किस चैनल सेटेलाइट किस चैनल पे चल रहा है मेरे लिए जो अच्छी बात थी कि हम जो बात एक मकसद बात कहना चाह रहे थे वो उस चैनल के थ्रू जाए जिसकी ग्रास रूट पर हिट है सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि ये सैमल चल रहा है टी वी वन पे और पी टी वी इकट्ठा चल रहा है इससे ये सेटेलाइट जो कंट्रोल हो रहा है कवर हो रहा है तो आई एम ओके विद इट बिलीव यू मी मेरा मतलब ये मैं ये चाहता था कि ये पी टी चले इसका मौजू ऐसा है कि ये जिन लोगों से हम मुखातब हैं उन तक ये पैगाम जाए वो पी टी के थ्रू जा सकता था दरअसल हम रहते भी एक बहुत लिमिटेड उसमें है ना हसन ये जी लाहौर यहाँ शाहद्रे से ख़त्म हो जाता है और शाहद्रे से आगे फिर पी टी देखा जाता है फिर जाके इस्लामाबाद में सेटेलाइट देखा जाता है और फिर मरी से आगे पी टी तो सेटेलाइट शायद आधा सच भी नहीं है लेकिन चूंकि हम जिस बबल में रह रहे हैं अर्बन उसमें सोशल मीडिया और सारा उसमें उसमें ये सारा सच हो गया हुआ है तो क्या ये वजह है कि आपके सारे ही ड्रामे ऑलमोस्ट सोशल इशू बेस्ड या विद वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेजिंग होते हैं बिकॉज यू नो इनकार रांझा रांझा कर दी जाती है सिला अभी ना उम्मीद तो नहीं कीप से चले टू सम बट ये कॉन्शियस एफर्ट है आपके पार्ट पे कि सोशल मैसेजिंग होनी चाहिए ड्रामे में या ये हो गई है ये खैर इस, पे, इस पे प्रीचिंग बिलीव नहीं करता बिल्कुल यकीन कीजिए मैं इसको एंटरटेनमेंट ही लेता हूँ लेकिन मुझे मुझे ये लगता है कि जो हमारी सोशल कंडीशन है ना वहाँ पे ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता वट आई बिलीव आई माइट कि जहाँ इतनी बंदिशें हैं ना हम बात नहीं कर सकते खुल आपको पता है हमें पता है हम खुल के बात नहीं कर सकते मुझे लगता है कि जहाँ जिस सोसाइटी में ड्रामा इज़ नेक्स्ट रिलीजन इतना देखा जाता है हमारे यहाँ ठीक है ना ड्रामा और लोगों के घर में पहुँच जाता है तो अगर ये मीडियम आप डेवलप आप, आपके पास है तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हमारी जैसी सोसाइटी में ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता एंटरटेन ज़रूर कीजिए बिल्कुल कीजिए उसके बगैर मतलब गुजारे ही नहीं है लेकिन उसके साथ आप कोई बात भी कर सकें जिसकी बहुत गुंजाइश है हमारे यहाँ मतलब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट में तो ज़िंदा नहीं रह सकते ना तो ये बहुत ज़रूरी मुझे लगता है मैंने अगर किसी हाउस वाइफ से बात करनी उससे रापता करना है उससे कम्यनिकेशन करनी है तो मेरे पास ये मीडियम अगर है ड्रामा कि मेरी कही हुई बात या मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात उसके ड्राइंग रूम तक चली जाती है उस तक चली जाती है तो मुझे इस मीडियम का इस्तेमाल करना चाहिए बताइए आप लग, आपको लगता है कि खाली बात पहुँचती है या आपको ये लगता है कि उस बात का असर भी होता है असर होता है होता है लोगों के एक्शन पर भी असर होता है मतलब अगर हम एक डर सी जाती है सिला में अगर हम जो बात कर रहे थे तो और कुछ ना किया हो तो हमने एक माँ को कॉन्शियस तो कर दिया होगा कॉन्शियस तो कर दिया होगा ना इस तरह, इस तरह का मौ, मौजू छेड़ के जो उसके लिए देखना कंफर्टेबल है मतलब हमारा मकसद भी उस माँ को या उस हाउस होल्ड में रहने वाले लोगों को अनकंफर्टेबल करना था या कॉन्शियस करना था तो अगर वो कॉन्शियस होगी ये तो मुझे लगता है हमें हमने अपना थोड़ा सा काम कर दिया अगर उसने ध्यान ही रखना कर दिया किसी बाहर वाले का या अंदर वाले का ही एक्सेस अगर नहीं रोक सकी तो नज़र रखना शुरू कर दी तो मौाक़ तो एक काम कर दिए ना उसने एक ऐसे जोई मामा जैसे आदमी के लिए इस तरह का इम्पैक्ट होता है ऑब्वियसली लेजिस्लेशन तो हम कर नहीं सकते तो यही है अवेयर करता है अवेयर करता है जैसे हम एजुकेट अगर ना भी करें तो अवेयर करता अवेयर तो और एजुकेट करना हमारा काम भी नहीं है हमारा तो काम इशू को आइडेंटिफाई करना है ना उसकी तरफ ध्यान देना हमारे यहाँ डायलॉग ही नहीं है सोसाइटी में डायलॉग ही नहीं है तो आप कम सिर्फ इशारा ही कर दें इनकार में हम क्या कर रहे थे इनकार में भी हम ये कर रहे थे यही कह रहे थे ना कि यार अगर ट्रस्ट करें ना बच्ची पे बजाय इसके कि उसको कटहरे में खड़ा कर दें अपनी बच्ची के साथ खड़े हों आप अगर उनमें से किसी एक बाप को भी ये बात समझ आ गई है कि यार मतलब इनफैक्ट वट आई ऑलवेज बिलीव किया जब आप अपनी बच्ची बच्ची पे डिस्ट्रस नहीं कर रहे होते अपनी तरबियत पे खुद पे कर रहे होते हैं या तो फिर अंदर झांक लें कि यार आपने आपकी क्या कमी है आपने कहाँ क्या मिस किया है तो आप अपनी बच्ची को या अपने बच्चे को डिस्ट्रस नहीं कर रहे होते अपने आप को कर रहे होते तो उसमें भी हम ये कह रहे थे कि यार अगर ऐसी कोई ऐसी कोई किसी हादसे से आपकी बच्ची गुजर जाती है गुजरती है तो आप साथ खड़े हो उसके ये हम कह रहे थे अब उसमें से अगर किसी एक को भी समझ आ गई है जिन लोगों ने वो ड्रामा देखा है तो इतना ही काम है जो मुझे लगता है कमिंग टू रकीब से वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग जैसे हम बात हैं कि नॉवल्टी वैल्यू एज सच स्टोरी में नहीं है बट इन द वे दैट इट प्रेजेंटेड उसके बारे में कुछ बताएं कि ये जो प्रोसेस था इसको प्रेजेंट करने का रकीब से ऑल क्रेडिट टू बिगुल मेरे पास तो स्क्रिप्ट आया हार्डली चेंजेस थे उसमें जो मैंने आपको बताया उसके चार स्क्रिप्ट चार एपिसोड आए मेरे पास मैंने पढ़े और मैंने कहा अगले भी जवा दें तो उनका भी तो मैं लिख रही हूँ रकीब से बिगुल का प्रोजेक्ट लेकिन हदीका गयानी को जो आप लेके आए हैं एज सकीना मैं तो पहले एपिसोड से ये परेशान हूँ उनसे भी पूछा मैंने कहा आप प्रोफेशनल एक्टर कैसे नहीं हैं तो ये जो आपने काम निकलवाया है हदीका का आइडिया जो था दैट वाज uh, मोमना भाभी मोमना दुरेद हम इस करेक्टर के लिए लोगों को देख रहे थे बहस कर रहे थे लड़ रहे थे एक दूसरे से ये किया ये किया ये किया ममना दुरेद के नेम हदीका का आइडिया ममना दुरेद उन्होंने कहा तो मुझे क्लिक किया अब मुझे नहीं पता था कि हदीका कर पाएंगी बहुत मुश्किल कैरेक्टर है जो वो कर रही हैं सकीना का अच्छा हदीका का एक एमेज है हदीका आई कौन है हदीका को कौन नहीं जानता तो फिर मैं मैंने कहा यार मैंने कहा बात करें उन्होंने बात की उनसे टेलीविजन ने बात की उनसे तो उसने कहा मैं करना चाहती हूँ तो स्क्रिप्ट मेरे साथ शेयर कर ली तो मज़े की बात बताऊँ हदीका से पहली दफ़ा मुलाकात भी मेरी ही हुई मेरी हदीकत अच्छा। से मुलाकात नहीं थी हदीक़ा जब पहली दफ़ा मेरे घर आई तो स्क्रिप्ट के साथ आई थी स्क्रिप्ट मैंने भिजवा दिया था तो मैंने कहा आए मुलाकात करते हैं और जरा रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि करेक्टर की क्या शक्ल सूरत निकलती तो हदीक़ा पहली दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई खैर हमने रीडिंग की वो कुछ काम करके आई हुई थी कुछ मैं जब वो रीडिंग्स हम कर रहे थे तो मैं सच भी कर रहा था कि भाई अच्छा कहां कहां कहाँ क्या प्लस क्या माइनस फिर बातों बातों में उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नोमी से डर लगता है नुमान से तो मैंने कहा आप उससे डरेंगी तो ये तो सारा काम ही आपके उसके साथ सो फिर मैंने नोमी को उससे कहा कि यार आप हदीका से मिलो उसको उस कंफर्ट जोन में लेके आओ क्योंकि वो अगर पहले दिन से ही इस खौफ के साथ सेट पे आई कि मेरे सामने नुमान एजाज अब उसके सामने भी तोपे भी तो हमने रख दी ना उसको तो तोपों के मुंह क्या आगे रख दिया एक तरफ नुमान है एक तरफ सानिया एक तरफ इकरा है एक तरफ, तरफ फरियाल है और बीच में हमने एक, एक ऐसा करेक्टर खड़ा कर दिया जिसने सबसे से इंटरेक्ट करना है और जो पहले अफेक्ट कर रहा है लेकिन वो सबसे ज़्यादा डरा नुमा से डरी हुई थी तो फिर मैंने नुमान को कहा मैंने कहा तो मिलो रिहर्सल्स करो रीडिंग्स करो इसका डर तो दूर करो मतलब ये इतनी खौफजादा रहेगी तो काम क्या करेगी? सर so, नोमी ने भी इनिशिएटिव लिया नोमी ने भी जाके उनके साथ रिहर्सल्स वग़ैरह की, लेकिन यार मतलब जिस तरह से वो सेट पर तैयार आती आई थी ना जब हमने हदीका के मामले में आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात रहा मैंने हदीका को डायरेक्ट ही नहीं किया अच्छा वो मेरे इंटरव्यू में कह रही थी आपने नहीं नहीं मैंने हदीका को सिर्फ ये कहा ये बताया कि ये नहीं करना मैंने हदीका को ये नहीं बताया कि ये करना क्योंकि मुझे लगता था कि जो हदीका की जो रॉनस है ना अब मैं हदीका से उस पाई की बारीकी एक्सपेक्ट करता जो सानिया के यहाँ ओवर द एस डेवलप हुई हैं जो नोमी के यहाँ ओवर डेवलप हुई है तो वो उससे ज़्यादती होती तो जो हदीका की जो रॉनस थी ना मुझे लगा कि सबसे अच्छी जगह प्ले करने की हदीका की रोनस हदीिका एक सिचुएशन में जब रिएक्शन देती थी ना वो वो रिएक्शन नहीं होता था जो हमारा फॉर्मूला एक्टर देता कि क्योंकि सिचुएशन है इसमें उसने तीन चार पाँच एक्सप्रेशन संभाल के रखे हुए हैं जो मुख्तलि वक्तों में वो अपने मुख्त जेब से निकाल के स्क्रीन के ऊपर ले आता है जो हमारे सीजन एक्टर हदीका रिएक्ट करती थी वो नया होता था तो वो जो सी रॉनेस थी और वो जो वो जितनी ऑर्गेनिक थी मैंने उसको रहने दिया उसको मैंने नहीं छेड़ा हाँ उसे चंद एक आँख क्योंकि टेलीविज़न इज़ अ क्लोज मीडियम और मैंने उसे आँख का थोड़ा सा इस्तेमाल बता दिया कि भाई कहाँ होल्ड करनी है कितनी होल्ड करनी है कब झुकानी है किस स्पीड से झुकानी है किस स्पीड से वापस आना है तो इतना इतना ही था यकीन कीजिए बस ये कहा ये नहीं बताया कि करना क्या है ये बताया कि क्या नहीं करना बट yes, ये दोनों ड्रामे आपके इनमें कंटिन्यूटी के मैं आई कैन इमेजिन वो डे बिन अट मेर बट नई इन मसले नज़र आ रहे कंटिन्यूटी के ये आपने कैसे अचीव बिकॉज वो दिल दिलना उम्मीद में तो इतने जंप्स हैं आगे पीछे जी, जी, मैं जी. देखते हुए मुझे कभी कभी होता है यार कि ये जस्ट द फैक्ट कि आपने एडिटिंग इसकी मैनेज कर ली है वो आपने बीच में टाइम फ्रेम भी हमें देना शुरू किया दूसरी किस्म फिर वो आपने हटा लिया मुझे नहीं पता क्यों वो हमें चैनल की तरफ से फीडबैक आया था कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है लोगों को आ... लेकिन वो फिर आप आपने हटा दिया वापस साल अब नहीं लिखा वो हमने दो दो से तीन एपिसोड में स्टैब्लिश कर, कर दिया ना कि और दिये और दिये दो पैरेलल टाइमलाइन चल रही हैं उसके बाद उसको खत्म कर दिया आई हैव अ वेरी गुड टीम मेरी मतलब बहुत अच्छी टीम नए बच्चे हैं यंग बच्चे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं मेरे टीम बड़ी अच्छी मेरी डेवलप हुई हुई है हम बहुत ऑर्गेनाइज तो नहीं है लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हम पाकिस्तान के चंद ऑर्गेनाइज हाउसेस में से हैं हमारे यहाँ हर बंदे को ये पता होता है कि उसने क्या करने करना है और कब करना है उसमें भी मसले होते हैं मसाइल होते हैं लेकिन कम से कम मेरी टीम ऐसी है कि उनको ये पता है कि उनको क्या करना है वो अपना एफर्ट पूरा करते हैं फिर कभी गलती हो जाती है कभी नहीं होती लेकिन हमारी कोशिश ये है मैंने कम से कम लोगों को ऐसे तैयार किया कि यार ये या आपका काम है ये हो रहा है तो थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करो अपना इनपुट दे दो तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है मेरी नहीं, तरफ नहीं? से आपकी पूरी टीम को भी मुबारकबाद एंड वेल डॉन जॉब वेल डन उनको सबको मूविंग फॉरवर्ड अब जो मैंने कॉन्फिडेंशियल मन जोगी देख लिया अब सो मच टू टॉक अबाउट देयर बट जाती होगी आई विल नॉट टॉक अबाउट इट

फिल्म कर रहे हैं जी हम वो बोलो तो आपने छः महीने चाहिए ना यार सीखने के लिए आ, फिल्म कर रहे हैं जी फिल्म बिल्कुल कर रहे हैं और स्क्रिप्ट uh, पे काम कर रहे हैं वी आर डूइंग अ पंजाबी थे? फिल्म पंजाबी फिल्म फिल्मी आउट एंड आउट 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 पंजाबी पंजाबी सर वो गंडासे वाली है या कोई दूसरी नहीं नॉट गंडासे गंडासे वाली तो एक आ रही है ना वो हाँ, मौला जट तो आ रही है तो फिर वो uh, मैंने कहा इस दफा गंडासा नहीं वी कमिंग विद अ रोमांटिक कॉमेडी अच्छा हाँ तो कुछ एट दिस पॉइंट रिवील कर सकते हैं आप कास्ट के बारे में लिख कौन रहा है लिख भी गुल रही हैं और कास्ट में सुहेल सहेल मसाब एक सुहेल अहमद साहब तो नहीं होंगे ना और लेकिन और कहा अभी आपने बहुत नहीं सुहेल अहमद साहब <laughs> <laughs> सुहेल साहब एक कहाँ हैं सुहेल साहब तो बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं नो है, no डाउट लेकिन और उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ सपोर्ट कास्ट में काफ़ी सारे लोग हैं मेरे जहन में नुमान भी हैं उसका हिस्सा उसका हिस्सा जो है इमरान अशरफ भी हैं अच्छा और हमारे चंद एक आर्टिस्ट अक्रॉस अच्छा पंजाबी वो भी जबरदस्त नुवान एजाज इमरान अशरफ सोहेल अहमद

इंटरव्यूज यहाँ पे कराए थैंक यू मोस्ट वेलकम थैंक यू थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और बिलखसूस अब मन जोगी के लिए मेरी जो एक्सपेक्टेशन है बहुत बढ़ गई है रेली रुकू थैंक यू थैंक यू यू